ही गाइज वेलकम टू अदर वीडियो। आज को हम बात करने वाले हैं सीएसएफ रैली वर्दी 2024 बैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीएसएफ जीडी कांस्टेबल की बम्पर वर्दी पे निकली है बहुत सारे पोस्ट। कितनी पोस्ट होने वाली है, कौन से पोस्ट होगी, क्या अप्लीकेशन फॉर्म फी होगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट और कब से फॉर्म अप्लाई डेट है, कब तक चलेगी, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, बिना समय लेते हुए अगर वीडियो को देख रहे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, सीएसएफ ओपन रैली की न्यू रिक्वायरमेंट आई है, न्यू वैकेंसी आई है। सबसे पहले इसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं क्या क्या होने वाली है। तो रिक्वायरमेंट बोर्ड नेम की बात करते हैं, यहाँ पर सीएसएफ होने वाली है। टोटल पोस्ट नॉट मेंशन है, जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन सारे बच्चे का सिलेक्शन होगी। नेम ऑफ ग्रुप यहाँ पर जीडी की होगी। एंट्री नेम आपको नॉन टेक्निकल होगी। अप्लीकेशन मोड ओपन रैली है। फी पेमेंट मोड की बात करें तो कोई चार्ज आपको नहीं पे करना है। जॉब क्रेडिट डिफेंस की जॉब होगी और स्टार्टिंग बेसिक पे आपको 30,900 पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। एनसीसी और रिलेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर अटैच कर देना, आपको बेनिफिट्स मिल जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम के साथ हो, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बायो हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आपको चाहिए 50% मार्क्स चाहिए ऑल ओवर मिला के यहाँ पर, जो है जो कि इंग्लिश के अंदर एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ अगर आपने 12th पास नहीं किए हैं, कोई वोकेशनल कोर्स किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज लिमिट जो चाहिए आपका वो 18 चाहिए और मैक्सिमम 26 चाहिए। एसटीएससी से हो तो यहाँ पर आपको ओबीसी से हो 3 साल की छूट मिल रही है, एसटीएससी के लिए 5 साल की छूट देखने को मिल रही है। फिजिकल के अंदर जो डिटेल्स मांगे जा रही है, 160 आपका हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 150, चेस्ट आपका 70+5 होना चाहिए। रनिंग टेस्ट आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 6 मिनट के अंदर आपको करना पड़ेगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो कि यहाँ पर 1600 मीटर उनको भी 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्लियर करना है। एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से मिले, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। एग्ज़ाम लैंग्वेज रिटेन एग्ज़ाम होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटेन टाइम आपको दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग इंक्लूड रहेगी। सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, 10+2 लेवल पर सिलेबस होगी और सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाली है, रिटेन एग्ज़ाम होगी, फिजिकल होगी, मेडिकल होगी, मेरिट लिस्ट यानी कि 4 तरीके से क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। मेडिकल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या चाहिए। तो मेडिकल के अंदर जो स्टैंडर्ड मांगी जा रही है आपका, तो यहाँ पर जो चाहिए हाइट वेट आपस में प्रोपोर्शनल होना चाहिए और कोई बॉडी के ऊपर सर्जरी नहीं होना चाहिए, हेल्थ नॉर्मल होना चाहिए, डेंटल नॉर्मल होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया। कोई भी बॉडी के ऊपर टैटू नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म को कैसे आवेदन करना है, तो हाउ टू अप्लाई करके यहाँ पर दिया गया, स्टेप बाय स्टेप देख कर आप अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो। कब से अप्लाई डेट है, तो 29 मार्च 2024 से फॉर्म स्टार्ट है, 8 अप्रैल 2024 तक चलेगी, तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो। कहाँ से करना है, तो आपका ऑनलाइन आवेदन यहीं से होगी, डाउनलोड नोटिस यहीं से होगी, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया, तो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर विजिट कर सकते हो या फिर गूगल पर सर्च कर लेना सरकारी गवर्नमेंट वैकेंसी .com, चले जाना इस वेबसाइट पर, यहीं से आप आवेदन कर सकते हो, यहीं से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।